सो ये पहन पहन के मैं थक गई हूँ. नाइस गेरा. 3, 2, 1. हाय, वेलकम टू योर फेवरेट मदर वर्सेस डॉटर चैलेंज वीडियो. आज हम कुछ अलग करने वाले हैं. शॉपिंग नहीं, हम आज रिसाइकल करने वाले हैं हमारे पुराने आउटफिट्स. हमने ये साड़ीज ली थी लास्ट ईयर. फॉर माय साड़ी तो मुझे ये ज्यादा पहनने मिली नहीं, बिकॉज इसमें मेजॉरिटी ब्लैक है. तो कोई भी फेस्टिवल पे मम्मी बोलती थी नहीं, इस पे ब्लैक नहीं पहनना है. अपार्ट फ्रॉम फेस्टिवल्स मैं कहाँ साड़ी पहनती हूँ, इसलिए दिस वन आई डिड नॉट गेट टू यूज मच. एंड मम्मा की साड़ी तो शी ओनली डिड. मेरी साड़ी बर्गंडी कलर की है और मैंने बहुत पहनी है. लाइक हमारे में फेस्टिवल में जाते हैं कि ये कलर बहुत पहनते हैं. सो ये पहन पहन के मैं थक गई हूँ, लेकिन साड़ी की क्वालिटी अभी भी बहुत अच्छी है, तो हम लोग इसको रिसाइकल करने वाले हैं. तो ठीक है, पहले मैं मेरा आइडिया बता देती हूँ. सो फॉर माय साड़ी मुझे क्या करना है ना, कि जो मल्टी कलर बॉर्डर है या जो भी एलिमेंट्स में ज्यादा कलर है, मुझे वो हाईलाइट करके एक सेट बनाना है. तो मुझे स्कार्फ टॉप्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो आई वॉन्ट टू डू समथिंग इंडो वेस्टर्न ऑफ दैट सॉर्ट फॉर द अपकमिंग फेस्टिव सीजन. क्योंकि स्कार्फ टॉप के ऊपर एक छोटा सा अगर जैकेट हो जाए एंड प्लाजो पैंट हो जाए, तो झुमके के साथ और जूतीज के साथ तो बहुत अच्छा लगेगा. जो ये पल्लू है साड़ी का, ये बहुत सुंदर है. तो अगर ये ट्रायंगल में से एक टॉप बन जाएगा, तो इट लुक टोटली मल्टी कलर एंड ब्लैक वाली वाइब तो आएगी ही नहीं. एंड फॉर जैकेट आई एम थिंकिंग कि एकदम लॉन्ग स्लीव या एकदम लॉन्ग नहीं करूँ, क्योंकि फिर वो बहुत ओवर पावरिंग लगेगा. तो मे बी लाइक अ क्रॉप जैकेट एंड मे बी शॉर्टर स्लीव्स, दैट इज माई वाइब. कैसा लगा आइडिया? बहुत ही अच्छा लगा आइडिया. तो लेट्स सी आउटकम बाद में कैसा निकलता है. एंड मुझे कुछ इंडो वेस्टर्न बनाना है इसमें से, बट घाघरा चोली बहुत हो गए, सलवार सूट भी बहुत हो गए. सो कुछ इंडो वेस्टर्न में या तो मैं वन पीस के लिए कुछ सोच रही हूँ, जो कुछ थोड़ा सा बैकलेस भी रहेगा ऊपर से टाई करने वाला, और एल्स आई एम थिंकिंग कि मैं नीचे कुछ प्लाजो जैसा कुछ लाइक गरारा जैसा कुछ बना के स्ट्रेपी टॉप में भी वो शायद लॉन्ग बनाऊंगी या तो क्रॉप टॉप बनाऊंगी. तो ऐसा कुछ प्लान है. और मैं इसका ब्लाउज भी जरूर यूज करना चाहती हूँ, क्योंकि काफी भरा हुआ है बहुत ही अच्छे से. तो लेट्स सी, होप बेस्ट बनेगा. आई हर्ड टू वर्ड्स, स्ट्रैपी एंड बैकलेस. मतलब मम्मी जो भी बनाएगी मैं पहन सकती हूँ. वाओ, आई एम एक्साइटेड, आई एम रियली एक्साइटेड. लेट्स गो टू द टेलर एंड गिव दिस आउटफिट फॉर स्टिचिंग, ताकि टाइम पे वापस आ जाए. सो मम्मा इज एक्सप्लेनिंग कि उनका डिजाइन आइडिया क्या है. सो राजेश भाई, ये साड़ी है अभी, ठीक है? अभी इसमें से हमें इंडो वेस्टर्न कुछ भी बनाना है, ठीक है? अभी मेरे पास दो तीन है चीज़ें, मैं आपको दिखाती हूँ. सो मुझे है कि हम लोग ऐसा कुछ बनाते हैं, स्लीवलेस, पीछे से बैकलेस जैसा रहेगा, और नीचे जो ये फ्रिल रहेगी ये मुझे बहुत चाहिए, क्योंकि ये साड़ी है तो अच्छे से हम लोग डाल सकते हैं. ये भी मुझे पसंद है. चलिए चलिए, नहीं ये पूरा वन पीस हम बनाएंगे. और ये ना जो आधा भरा हुआ है, तो इतना घेरा चाहिए तो इतना घेरा रहेगा, फिर उससे घेरा हुआ चाहिए तो ये पूरा लेंगे ना अपन. हाँ, फिर ये पूरे में आएगा, लेकिन ये फिर उसमें कम आएगा, इतना ही लेना पड़ेगा. 3 मीटर जितना आएगा ना, 3 मीटर घेरा सिर्फ किधर, दोनों मिलके? नहीं नहीं, दोनों मिलके 6-7 मीटर चाहिए. 6-7 मीटर नहीं आएगा, फिर इतना आएगा. इसके लिए आपको ये प्लेन साड़ी चाहिए. अभी जो है डिजाइन बदलो, डिजाइन मुझे पैंट चाहिए थोड़ा फ्लेयर वाला. सैंपल है ऐसा वाला पैंट चाहिए, जिसमें आगे कलरफुल ज़्यादा दिखे, जैसे ये स्ट्राइप्स अगर यूज़ कर सकूँ ये वाला. एंड ऊपर एक क्रॉप टॉप चाहिए ट्रायंगल शेप, तो इसका जो पल्लू है ये ट्रायंगल, स्कार्फ टॉप जैसा ऐसा टॉप. थोड़ा फैब्रिक अगर बच जाए तो मुझे एक शॉर्ट जैकेट टाइप चाहिए, ओपन, जो बंद नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा लूज शॉर्ट. तो देखते हैं पहले बना के बचेगा. तो ये ऐसे इधर एज बॉर्डर, और ये इसमें से हाथ भी दिखेगा तो चलेगा, बट आई कैन यूज दिस इन मल्टीपल वेज एंड कवर अप ऑन द स्कार्फ टॉप इफ नीडेड. सो बिठाना कैसे, तो थोड़ा नीचे जो इसे कहते हैं आम जैसे ना, तो कवर हो जाए जैकेट की लेंथ. थोड़ी सी
So our outfits are here, बन के आ गए हैं, but we haven't really seen them yet. अभी तो बस थैली से निकाला है, already the team has started voting for mom because of her color and like how vibrant it looks. लेकिन picture अभी बाकी है. Let's see how they've actually turned out. शुरू तो आपसे करने से, because actually बोलूँ तो मुझसे भी नहीं रहा जा रहा to see your outfit. So मैं खुद excited हूँ. जो भी design दिया था देखते हैं अभी वैसे बन के आया. Okay. Ooh. Good. मुझे मेन घेरा चाहिए था, सो लेट्स सी कितना वो घेरा है. ओके, नाइस घेरा, गुड. ओके, सो ये साड़ी में क्या था कि हाइट बहुत कम गिर रही थी, सो हमने बीच में ये पट्टा डाला है जिससे मे भी वो देखने से भी अच्छा लगेगा और सही हाइट मिल जाएगा जो हमें चाहिए. एंड मुझे बैकलेस चाहिए था, तो यस, दिस इज बैकलेस. सो ये भरा हुआ कितना अच्छा लग रहा है. यस, बिकॉज़ ब्लाउज यूज किया है. अमेजिंग. Wow. अच्छा, बट मुझे एक डाउट है, मैंने जिप बोला था फिटिंग के लिए, सो कहीं पे दिख नहीं रही है, राइट? इधर है ना? है, ये रे. हाँ, हाँ, इतनी इनविजिबल हाँ. जिप डाली yes. कि हमें भी नहीं दिखी, बट इट्स देयर, इट्स देयर. सो आई एम हैप्पी. अभी देखते हैं पहन के कैसा लग रहा है. आई लव कि जो नीचे का पोर्शन है ना उसमें भी ऐसा भरा भरा yes. सा वर्क है. बॉर्डर इतने अच्छे से यूज की है, लाइक आई एम शॉक्ड कि पूरा नया लुक मिल गया फ्रॉम दैट साड़ी. वाओ. हाँ, मतलब अगर मम्मी जीत भी जा रही है चैलेंज, ड्रेस तो मैं ही पहनूं. आना तो घर पे ही है प्राइस. ओके, नाउ फॉर माय आउटफिट. फर्स्ट आई वांट टू चेक द स्कार्फ टॉप. इंटरेस्टिंग. वाओ, इट हैज सच अ बोहो वाइब. एंड पीछे इसके नॉट भी बहुत अच्छे से दी हुई है, लाइक इट्स क्वाइट लॉन्ग. आई कैन एक्चुअली वेयर दिस टू गोवा विद लाइक ब्लैक शॉर्ट्स और इवन डार्क ब्लू डेनिम शॉर्ट्स. इट लुक्स सो कूल. एंड दिस इज प्रॉपर नॉट, सो ऐसे नहीं कि वो हुक वाली. एंड वी कैन यूज एज अ क्रॉप टॉप ऑल्सो डेनिम के ऊपर. या डेनिम के ऊपर मस्त लगेगा. टॉप ने तो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है. नाउ फॉर पैंट्स. ओके, ही डिड मेक इट लाइक हाउ आई वांटेड. आगे से फुल कलरफुल, बिकॉज द मेन पॉइंट ऑफ कन्वर्टिंग द साड़ी इन टू दिस वॉज की कलरफुल आउटफिट बने कि मैं पहन सकूँ एक्चुअली फेस्टिव फंक्शन पे. एंड दैट हैज वर्क्ड आउट. एंड लास्टली द केप. ओह, दिस इज सो क्यूट. रियली ब्यूटीफुल. Translucent hair, it'll like jazz up any normal. Just iske upar if I wear it and if I wear jhumkas or like a choker, it becomes a boho outfit like that. Dono outfits ko dekhke to mujhe lag raha hai ki takkar wali competition hone wali hai. Let us try them on and show you what they look like. I wanna close my eyes and go back, play it in my mind. A movie of us two, yeah, we were happy at the time. Can't remember what it felt like, we used to be so strong. That picture perfect sky now, it looks so gray and cold. We've been playing here since 4 a.m. and you haven't said a word to me. Is what it feels like when your heart is aching, when it bleeds. If it's over, just say it out loud. Say those words, go ahead, just shout it out. Just be honest, be a man right now. Dono nahi dekhna chahte hamare outfits. We want to see together. Theek hai? Yes. 3, 2, 1. Whoa! But we danced around and didn't mind it. So young and reckless, baby, you and I fit just like a glove. But I guess that's over now. We've been laying his. Do you look like an Indian Disney princess? Wow. And I like this also. बहुत बहुत ही अच्छा है, पूरा मेरा वाइब है. मुझे प्लाजो वगैरह बहुत अच्छा लगता है, so I really like. फिटिंग क्या बनाई है, like everything is perfect. मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ, मतलब ये जो पट्टा है वो आई डोंट नो समहाउ आई एम नॉट कंफर्टेबल. मतलब चेस्ट, मतलब यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए फिटिंग. सो अभी आप बताना कि आपको कैसा लगा. सो अदरवाइज बहुत अच्छा है. अगर ये पट्टा नहीं डालते तो मतलब इतना हाइट नहीं मिलता हमें.
सो ये हाइट के लिए हमें ये पट्टा डालना पड़ा, बट समहाउ ये पट्टे को आई थिंक कुछ और अच्छे से कर सके, तो ये जो प्लीट्स दिख रही है सो उससे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ। अदरवाइज ऊपर का पार्ट इवन पे जो मुझे चाहिए था बहुत बहुत ही अच्छा है। किसको वोट दिया जाए, आप कमेंट करके बताना कि आपको किसका आउटफिट ज्यादा अच्छा लगा, आपको यू थिंक वन दिस एपिक मदर वर्सेस डॉटर बैटल। लेकिन हमें बहुत मजा आया इस सीरीज को वापस रिवाइज करने में, एंड कमेंट करके ये भी बताओ कि अगला मदर वर्सेस डॉटर में हमें क्या करना चाहिए। सो सिग्नेचर साइड, इफ यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो देन डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। इफ यू डिड नॉट एंजॉय वाचिंग दिस वीडियो देन लास्ट गिव इट अ थम्स डाउन। I will see you in a brand new video very soon. Until then, goodbye.